जिला कांग्रेस कमेटी के आपातकालीन बैठक संपन्न। एबीवीपी सहित कई गुंडों पर कार्रवाई करने की मांग। धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी की आज आपातकालीन बैठक बुलाई गई, जिसमें धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष विजेंद्र प्रसाद ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर निशाना साधते हुए उन पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस तरीके से भाजपा के नेता कार्यकर्ता छात्र पर हुए लाठीचार्ज के आड़ में धनबाद बंद बुलाया गया था, इसमें काफी संख्या में महिला कार्यकर्ता भी शामिल थी। इस बंदी के दौरान जिस तरीके से भाजपाइयों ने जो प्रदर्शन किया वह काफी गलत है। साथ ही बीजेपी की महिला कार्यकर्ता के द्वारा जिस तरीके से झारखंड सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन को निशाना बनाते हुए अभद्र बातें कही गई थी, यह धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी बर्दाश्त नहीं करेगी। साथ ही कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने कहा कि बीते दिनों हुए लाठीचार्ज की घटना को और बनाकर बीजेपी के कार्यकर्ता हेमंत सोरेन को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, तथा कल बंदी में बुलाए गए अधिकतर कार्यकर्ता भाड़े पर लाए गए थे। ज्योति हेमंत सरकार को गाली देने से भी पीछे नहीं हटे। यह धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके साथ ही कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष ने सरकार से कल हुए इस घटना में शामिल लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने एबीवीपी के गुंडे लोगों को भी चिन्हित कर उन पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। देखिए, धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी की आज आपातकालीन बैठक बुलाई गई है, और इसलिए बुलाई गई कि पिछले दो दिनों में अखबारों में, आपके चैनलों में, हर चैनल में ये न्यूज चल रहा है या प्रिंट मीडिया में चल रहा है कि धनबाद में जिस तरह से छात्रों को भी, छात्राओं को बदनाम करने का कोशिश किया जा रहा है, और साथ साथ हेमंत सरकार को और जिला प्रशासन को जिस तरह से बदनाम करने का एक चक्र रचा जा रहा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। और कल की जो घटना हुई है उसमें आप देखेंगे कि जिस तरह से वीडियो में किसी महिला के द्वारा किस तरह का अभद्र बात बोली जा रही है, जिसको कि मैं बयान नहीं कर सकता हूं, और आप सुनेंगे, आप सुने भी होंगे, तो आप खुद बोल देंगे कि कल के ये जो प्रदर्शन में, सो कॉल्ड प्रदर्शन में, ये कोई भी छात्रा नहीं थी, और ये सब भाड़े पे लाया गया था औरतों को, जो उस तरह की गंदी गंदी गालियां दे रही थी। इसलिए धनबाद को केवल अशांत करने का प्रयास किया जा रहा है, और जिला प्रशासन और सरकार को बदनाम करने का केवल एकमात्र ये हथकंडा अपनाया जा रहा है। अभी पिछले दिनों बाबूलाल मरांडी जी का, बाबूलाल मरांडी जी को पता नहीं एसएसपी से क्या यहां दिक्कत है, ये जब से पोस्टिंग हुई हम तीसरा बार उनका बयान सुन चुके कि कैसे आदमी को आप पदस्थापित कर दिए। मैं पूछना चाहता हूं, आप झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे, आप केवल ट्रांसफर और पोस्टिंग का झारखंड बनते ही उद्योग लगा दिया था, उस समय कहां कोई ऊपर से अफसर लाता है क्या? इसलिए ये सुनियोजित ढंग से इसमें भाजयुमो, विद्यार्थी परिषद और कुछ भाजपा के भी कुछ नेता इसमें शामिल हैं, जो केवल और केवल सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग मांग करते हैं जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से, युवा कांग्रेस की ओर से, कि जो दोषी व्यक्ति हैं, जो कल जिस तरह से प्रदर्शन किया गया है, उन लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई किया जाए, और जिला प्रशासन से भी मांग करते हैं कि आपने क्या किया है। भाजपा का राज था तो काला झंडा दिखाने में हम मुकदमा हम लोग पे हुआ है, युवक कांग्रेस के हमारे साथ ही सब जेल गए। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग जैसे कि हमारे अभिभावक कांग्रेस के गार्जियन आदरणीय बजेंद्र प्रसाद सिंह जी ने जो अभी कहा, उसमें जो ऑडियो वायरल हुआ है महिलाओं का, कल का जो वीडियो आप प्रेस बंधुओं के द्वारा ही जो सोशल मीडिया में चलाया गया है, किस तरीके से लोग प्रशासन को उकसा रहे हैं, गाली दे रहे हैं, हाथापाई कर रहे हैं, तब जाके उनके ऊपर लाठीचार्ज। आपको ज्ञात होगा
कि यूथ कांग्रेस पे ही नहीं, हमारे माननीय जिला अध्यक्ष बजेंद्र प्रसाद सिंह जी के ऊपर भी एक नरेंद्र मोदी का पुतला दहन छोटा सा कार्यक्रम में उनके ऊपर बाय नेम FIR किया गया। यूथ कांग्रेस के लोगों ने CM को जब काला झंडा दिखाया निरसा में, तो उन लोगों के ऊपर FIR करके उनके घर के दरवाजों को तोड़ के उनको जेल भेजा गया। तो ये सरकार तो इतनी अच्छी है कि स्वयं माननीय मंत्री जी ने बोला कि जो छात्र छात्राएं जेल में है, मतलब थाने में है, उनको तुरंत रिहा किया जाए। तो क्या अपेक्षा कर सकते हैं आप इस घिनौनी साजिश से? ये भाजपा के लोग, भाजुमो के लोग और खास करके ABBP के गुंडे, जो कल सड़क पे तमाम ABBP के गुंडे और झामुमो के गुंडे मिलकर सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। मैं इस प्रशासन से और सरकार से मांग करूंगा कि उस लोगों को चिन्हित करके अविलंब FIR करें उनके ऊपर। और कल जो उनका धरना का जो कार्यक्रम है, वो धरना का अगर परमिशन नहीं है तो उनको धरना का इजाजत ना दिया जाए, नहीं तो जिस तरह से कल पूरे शहर में नंगा नाच उन्होंने किया है, फिर कल वो करेंगे। मैं इनका घोर निंदा करता हूं। प्रशासन से हम यूथ कांग्रेस मांग करते हैं कि उनको चिन्हित करके जल्द से जल्द उन पे कार्रवाई करने का काम करें। धन्यवाद। SSP उपायुक्त महोदय, SDM साहब, सबका अच्छा कार्य है, उनका हम लोग तहे दिल से शुक्रिया करें। इतने विकट परिस्थिति में भी संयम से उन लोग काम ले रहे हैं। कल प्रशासन को छात्र द्वारा जबरदस्ती धक्का दिया जा रहा था, मारा जा रहा था पुलिस को, तो पुलिस अपने बचाव में किया। उस दिन हमारे मंत्री आए हुए थे, 20 सूत्री की मीटिंग चल रही थी। SDM साहब यदि अंदर घुस जाता है, इतना इम्पोर्टेंट मीटिंग था, पूरे जिला के तमाम विधायक, जनप्रतिनिधि, सारे लोग, भाजपा के भी विधायक आए हुए थे, सांसद आए हुए थे, 20 सूत्री कमेटी की मीटिंग चल रही थी। यदि अंदर हो जाते तो SDM साहब सस्पेंड हो जाते, हंगामा खड़ा हो जाता। उन्होंने रोकने का काम किया, और रोकने का काम किया तो इन लोग उसको भाड़े पर बुलाए हुए लोगों के साथ गलत किया। उसके बाद भी हम अपने मंत्री को भी धन्यवाद देना चाहते हैं, बन्ना गुप्ता जी को, कि सर्किट हाउस में उन्होंने कहा कि जो भी लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, उनको अविलंब छोड़ा जाए, और प्रशासन ने तुरंत उन लोगों को छोड़ दिया।